हेलो फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। हम स्नेहा आंटी और विशाल मामा के घर जा रहे हैं क्योंकि हमें इफ्तार की और डिनर की दावत है उनके यहाँ पर। तो आज है 27th रोज़ा और विशाल मामा हर साल ये दो बड़े रोज़े रखते हैं, इसलिए उन्होंने हमें आज दावत दी है। तो जी, हम पहुंच गए हैं स्नेहा आंटी और विशाल मामा के घर। स्नेहा आंटी को होम डेकोरेशन करना बहुत पसंद है, तो ये जितना भी डेकोरेशन है ये सब उन्होंने किया है। तो चलिए आगे आगे मैं आपको सब बताती हूँ। एंट्रेंस ही उनकी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और यहाँ पर इफ्तारी लगाना भी स्टार्ट कर दिया था स्नेहा आंटी ने, क्योंकि इफ्तारी में बस 10 मिनट रह गए थे। और ये रही मेरी प्यारी सी आयत। ओ आयत, आयत लुक एट हियर। ये देखिए, उन्होंने अपनी बालकनी भी कितने अच्छे से डेकोरेट की है। और ये रहे विशाल मामू और उनका प्यारा सा बेटा वियांश। हाय वियांश। और किचन से आ रही थी कबाब की इतनी प्यारी सी खुशबू, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। स्नेहा आंटी ने इतने अच्छे से सब तैयारी की है इफ्तारी की, माशाल्लाह। इफ्तारी स्पेशल में था छोले की चाट, बॉक्स पेटीज, कबाब, सैंडविच और कैरेट केक, खीर, फालूदा, फ्रूट्स, हर चीज़ बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनाई थी उन्होंने। तो चलिए जी फैमिली, मिलते हैं इफ्तार के बाद। आप सब हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। ये देखिए, ये दोनों छोटू आयत और वियांश एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। उन लोग ने एक दूसरे के साथ बहुत खेला, बहुत मज़े किए। तो जी, ये रही डिनर की स्पेशल सीख बिरयानी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। तो चलिए फैमिली, में मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद। बाय बाय। बहुत अच्छा लगा हमें, बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो थैंक यू सो मच स्नेहा आंटी और विशाल मामू खास इफ्तारी और डिनर की दावत के लिए। तो फ्रेंड्स, दावत हो जाने के बाद हम गए थे घर, फिर फ्रेश हो गए, रेडी हो गए। अब हम जा रहे हैं रिलायंस के स्मार्ट बाज़ार में। रिलायंस स्मार्ट जो है वो हमारे बिल्डिंग के सामने ही ओपन हुआ था, बस नीचे उतर के रोड क्रॉस करना था। तो ये रहा स्मार्ट बाज़ार। आप सब बने रहिए मेरे साथ एंड तक, मैं आपको अच्छे से स्मार्ट बाज़ार का विजिट कराऊंगी। अब हम डाल देंगे आयत को ट्रॉली में, जैसे डीमार्ट में डालते हैं। फिर आयत एंजॉय करेगी अपनी ट्रॉली राइड और हम एंजॉय करेंगे स्मार्ट बाज़ार। बाय द वे, यहाँ आने के बाद हम लोग सोचने लगे कि यहाँ से लेना क्या है, बिकॉज ग्रोसरी और ऊपर का जो भी सामान होता है वो तो हमने डीमार्ट से ले लिया था। तो यहाँ से क्या लेना है वही हम लोग सोच रहे थे। ग्रोसरी पर हमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने मिला रिलायंस स्मार्ट में, तो आप सब भी विजिट कीजिएगा।
और यहाँ पर मेरा और जन्नत दीदी का डिबेट चलने लगा कि ज़ीरे और शाहज़ीरे में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि ज़ीरा और शाहज़ीरा में क्या फ़र्क होता है। हमें अपनी डेली डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ तो एक प्रोटीन पाउडर का बॉक्स ज़रूर लेती हूँ, बट अब घर पे था ऑलरेडी इसलिए मैंने यहाँ से प्रोटीन पाउडर नहीं लिया। ये था सनसिल्क शैम्पू पर भी बाय वन गेट वन फ्री का ऑफ़र। तो अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे मेरी फेवरेट जगह की तरफ। आइए मैं आपको बताती हूँ मेरी फेवरेट जगह कौन सी है। ना 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 ना, ये मेरी फेवरेट जगह नहीं है, ये तो मम्मी की फेवरेट जगह है। मेरी फेवरेट जगह आने में कुछ देर और है। तो ये रही मेरी फेवरेट प्लेस। मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी आयु के लिए कुछ टी शर्ट देख रही थी डेली वेयर के लिए। वहाँ पे मम्मी मुझे सजेस्ट कर रही थी कि ये कुर्ता तुझे चाहिए क्या, बट मुझे इतना ख़ास नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया। अब हम आ गए हैं बिलिंग काउंटर की तरफ। तो मैंने यहाँ से अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, बस अपनी आयत के लिए लिया है डेली वेयर टी शर्ट्स वगैरह, और मम्मी ने शायद उनके लिए टी शर्ट लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमने रिलायंस मार्ट से क्या ख़रीदी की। रिलायंस मार्ट भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रोसरीज पर, वेजिटेबल्स पर, क्लोथिंग पर, सब पर अच्छा खासा डिस्काउंट था। बट एज़ कम्पेयर टू डी मार्ट, रिलायंस मार्ट की जो क्लोथिंग सेक्शन थी वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली थी, बट क्वालिटी भी यहाँ की बेस्ट थी। ओके, बाय बाय रिलायंस मार्ट और स्मार्ट बाज़ार, विल मीट यू सून अगेन। तो आइए देखते हैं हमने रिलायंस मार्ट से क्या क्या ख़रीदा। ये टी शर्ट है जो मम्मी ने अपने लिए ख़रीदा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इसकी प्राइस थी 249 रुपीज़। और ये था सैंडो टाइप फ्रॉक जैसा, ये मैंने आयत को डेली वेयर के लिए लिया था। इसमें एक दो कलर और लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगी इन कपड़ों की, और इसकी प्राइस थी 179 रुपीज़। और ये है लाइट येलोइश कलर का टी शर्ट, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें भी मैंने एक और कलर लिया है, इसकी प्राइस थी 195 रुपीज़। वो जो अब मैंने ब्लू कलर में दिखाया था उसमें मैंने एक और येलो कलर में लिया है, और इसकी भी प्राइस थी 179 रुपीज़।
ये टी शर्ट जो येलो कलर जैसा था वैसा ब्लू कलर में, और इसकी भी प्राइस थी 195 रुपीज़। ये आयत के लिए पैंट लिया हम लोग ने टी शर्ट्स के ऊपर डेली वेयर के लिए, तो इसकी प्राइस थी 129 रुपीज़। वो जो येलो कलर का टी शर्ट था उसके ऊपर मैंने ये ऑरेंज कलर की पैंट ली उसके लिए, और इसकी भी प्राइस थी 129 रुपीज़। और ये रही मेरी आयत पियानो खेलते हुए, तो ये पियानो और वो जो अल्फ़ाबेट टॉय है ये ज़हीर मामू और जन्नत दीदी ने उसको परसों दिलाया था डी मार्ट से, आयत उनके साथ डी मार्ट घूमने गई थी। तो चलिए फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब आपका ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।